नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे पंजाब से, जहां मोगा से खबर सामने आई है। बता दें आपको कि ट्रैफिक पुलिस मोगा ने एक महिला की जान बचाई है और अब पुलिस के इस गुड वर्क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला मेन बाजार मोगा में सड़क पर गिर पड़ी। अचानक से ये महिला गिरते हुए नजर आई और लोगों ने उसको अस्पताल ले जाने के बजाय उसका वीडियो बनाया और जब इसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस को मिली और ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज हरजीत सिंह वहां तुरंत पहुंचे और अपनी टीम के साथ उन्होंने घटनास्थल पर जाकर इस महिला को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अस्पताल जाकर पता चला कि वो महिला 7 महीने से गर्भवती थी और हॉस्पिटल से चेकअप करवाकर वो वापस अपने घर जा रही थी। और पुलिस की इस सराहनीय जो बात है उसकी जमकर अब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਪਸੀ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਪਸੀ ਅਤੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੰਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਕਾਫੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੜਫਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ। ਲੇਡੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੀੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਦੀ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਿਟਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੀ ਹਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ और शिंदे सरकार ने मुंबई में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए करीब 5500 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर दी है। इसी की जानकारी देते हुए बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने बताया है कि मुंबई में फैले हुए कोरोना और खसरे की पृष्ठभूमि में शिंदे फडणवीस सरकार ने खसरे के प्रसार के सर्वेक्षण में कुछ त्रुटियां पाई हैं और उन त्रुटियों को दूर करने के लिए और मुंबई की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी अधिक कुशल बनाने के लिए करीब 5500 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कोरोना आणि गोवरच्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहराची आरोग्य व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी 5500 आरोग्य सेविकांची नियुक्ती करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्या ठिकाणी घेतलाय। मुंबईच्या सर्वेक्षणामध्ये गोवरच्या सर्वेक्षणामध्ये काही त्रुटी आढळल्या आणि या त्रुटी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। एवढंच नाही, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये कोरोना काळात आरोग्य सेविका, आशाताई, अंगणवाडी ताई यांचं काम, यांचं योगदान हे अतिशय मोलाचं राहिलेलं आहे आणि त्याची दखल ही जागतिक पातळीवरती सुद्धा घेण्यात आलेली आहे। या निर्णयाने काम करणारं सरकार कसं असतं हे शिंदे फडणवीस सरकारने दाखवून दिलेलं आहे। समस्त मुंबईकरांकडनं शिंदे आणि और पंजाब सरकार दोबारा एनआरआई की समस्याओं को सुनने के लिए पंजाब में एनआरआई सम्मेलन करवाने जा रही है। इसी कड़ी के तहत मोगा में भी 26 दिसंबर को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसमें जिला मोगा के गांव रोड़े के एक एनआरआई स्वर्गीय हरनाम सिंह, जो कि यूके के रहने वाले हैं, उनके गाँव रोड़े में करीब 17 एकड़ जमीन पर गाँव के कुछ लोगों ने कब्जा किया था। इसी सदमे में आकर हरनाम सिंह की मौत हो गई और उसके रिश्तेदार, जो कि मोगा जिले के गांव रोड़े में रह रहे हैं, उन्होंने मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को मिलकर पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और इसके बाद जमीन को वापस दिलाने की अपील की गई। उनकी समस्या का हल करने और उन्हें इस बात का भरोसा देने के लिए आज कुलदीप सिंह धालीवाल गांव रोड़े पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने परिवार के रिश्तेदारों से बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ਮੋਟਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ? ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਟਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਸਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਦੀ ਠੀਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ।
बस मैं तुहानू इस करके लैके आया सीगा कि यही सरदार हरनाम सिंह स्वर्गवासी हरनाम सिंह यूके दे रहण वाले माता जसपाल कौर आ जमीन है साढ़े 17 किले जिड ते कब्जा होया आ जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये 17.5 एकड़ जमीन है, बहुत महंगी जमीन है और वो बंदे बेचारे सरदार हरनाम सिंह होनी इस जमीन दे कब्जा होने करके होके ना उन्होंने मौत हो गई। जरा मैनू इतने खिंच के लै मैनू हरनाम सिंह की मौत इतने खिंच के लैके आई। मैं चाहता नहीं कि पंजाब का कोई NRI देशों विदेशों बैठा अपनी जमीन जायदाद करके घर बार करके ओरी जमीन जायदाद से कब्जा हो जाए तो होके ना मर जाए। मैं चाहता नहीं, मैं तुहानू बस यही कहना चाहना कि सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ते स्वर्गवासी हरनाम सिंह दी ये जमीन, मेरी गल फिर ध्यान ना सुनो, भगवंत सिंह मान की सरकार ते सरदार हरनाम सिंह दी ये जमीन, मैं NRI नू कहना चाहना पंजाब का नवा इतिहास लिखन जा रही है। असी हुण पंजाब अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर झज्जर से है जहां लघु सचिवालय में स्थित सभागार कक्ष में गुरुवार को ADC और जिला परिषद के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सलोनी शर्मा की अध्यक्षता में जिला परिषद के प्रधान और उप प्रधान का चुनाव किया गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला परिषद के सभी 18 सदस्यों की भागीदारी रही और EVM से मतदान के उपरांत मतों की गिनती की गई। इसमें वार्ड 17 से BJP समर्थित कप्तान सिंह को अध्यक्ष और वार्ड 1 से JJB समर्थित राजीव कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया है। सम्मति से हुआ या वोट नहीं, वोट चले ना, सब सम्मति से नहीं हुआ है, दोनों ही चुनाव के रिजल्ट कौन चेयरमैन बना, कौन वाइस चेयरमैन। प्रेसिडेंट के पद पे श्री कप्तान सिंह जी जीते हैं, उनको 13 वोट मिले हैं कुल 18 में से, और बाकी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे श्री राजीव कुमार जी जीते हैं, उनको कुल मिला के 10 वोट मिले। तो आज पूरे थे मैम पार्षद? हाँ हाँ, आज पार्षद पूरे थे, सभी 18 मेंबर्स यहाँ पे मौजूद थे एंड माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में और सभी मेंबर्स के सहयोग से बहुत ही पीसफुल एंड सुचारू रूप से हमारा इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। सर्वसम्मति से हुआ या वोट नहीं, वोट चले ना, सर्वसम्मति से नहीं हुआ है, दोनों ही पदों के लिए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग हुई थी एंड प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के लिए 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और वाइस प्रेसिडेंट के और अब आपको बता दें कि 29 दिसंबर चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश पर बढ़ते हुए कर्ज को लेकर BJP और JJP सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उनका यह कहना है कि मौजूदा सरकार ने हरियाणा को 4,00,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डुबो दिया है और इसमें करीब 3,25,000 करोड़ कर्जा और 1,22,000 करोड़ की देनदारियां हैं। स्थिति यह हो गई है कि सरकार कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी कर्ज ले रही है और इसी वजह से कई बार कर्मचारियों को सैलरी मिलने में भी देरी होती है। इस बीच उन्होंने और क्या कुछ आरोप लगाए, आइए वो आपको सुनाते हैं। एक तो जो 3 दिन का सेशन, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, वैसे टाइम और देना चाहिए था, लेकिन मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, एक चरण पूरा हो चुका है हरियाणा में और अब दूसरा चरण वो 5 तारीख को सनौली गांव में पानीपत जिले में पहुंचेंगे, रात को 6 को पानीपत में पब्लिक मीटिंग है और वहां से 7 तारीख को करनाल पर है, 7 को करनाल पहुंचेंगे और करनाल से फिर वो 8 को कुरुक्षेत्र और 9 को कुरुक्षेत्र ही रहेंगे। दस को ब्रेक डे है, 11 को अम्बाला शहर से, मतलब 10 को वहाँ रुकेंगे ना, टोल 10 तो 11 को अम्बाला शहर होते हुए वो पंजाब, वो शाम को पंजाब
संघ बॉर्डर पे शाम को चल जाएंगे। ये कहा 5 को रात को आएंगे, शाम को है सोनाली आएंगे वहाँ ना, सोनाली सोनाली खुर्द से एंटर करेंगे ये यूपी से, 6 तारीख को रैली दिल्ली, 3 तारीख को दिल्ली से यूपी चले जाएंगे और 5 को शाम को वहाँ हरियाणा में एंटर करेंगे। इंटीरियर में भी जाएंगे, जैसे यहाँ पानीपत में इंटीरियर से आएंगे ना रात को, तो मेरे आएंगे जब सारे इंटीरियर से आएंगे, फिर जो है कुरुक्षेत्र से फिर इंटीरियर में जाएंगे। और अब बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन की, जिन्होंने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया है। इस बार आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुज्जर के निवास स्थान पर गन्ने के मूल्य में वृद्धि को लेकर ये मांग उठाते हुए 2 घंटे का धरना दिया गया और इस बीच प्रदर्शन भी किया गया है। हरियाणा सरकार का पुतला जलाया गया और किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार गन्ने का दाम 450 प्रति क्विंटल करे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अब भी इस बार भी 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया है। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और बाकी खर्च भी बढ़े हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि उनके गन्ने का जो मूल्य है उसे नहीं बढ़ाया गया और इसी मांग को लेकर आज ये तमाम जो किसान हैं वो धरने पर बैठ गए और इनके तौर पर साफ तौर पर कहा गया है कि अगर सरकार अब भी नहीं मानती तो आने वाले 5 तारीख को पूरे प्रदेश की शुगर मिलों पर 2 घंटे के लिए कांस्टेबल किए जाएंगे और साथ ही आने वाले 10 तारीख को करनाल के अंदर किसानों की महापंचायत होगी जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, सरकार कट्टर सरकार। 10 तारीख को अपने दल बल के साथ एक बड़ी हाजिरी वहां पर करनी है, हजारों की संख्या में अपने जिलों से पहुंचना है। सुबह 10 बजे 10 तारीख को करनाल अनाज मंडी में वहां निर्णय लेंगे, या तो सुपर मिलों को बंद करने का निर्णय हो या वो सिटी रोड को जाम करने का निर्णय हो, वो 10 तारीख की पंचायत में लिया जाएगा। तो सभी साथियों ने 10 तारीख की तैयारी करनी है, 5 तारीख की तैयारी करनी है, अब अपनी ड्यूटियां लगानी है। साथियों आपने पहरा देना है, आप अपना अपने गांव में अगर मिल बंद करने का फैसला लिया कि गांव में कोई छिलाई ना लगाए, कोई साथी मिल में ट्रॉली लेकर ना आए, ये आपने अपने गांव की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अभी बात आई थी हमारे भाई मुंटी ने बताया 10 तारीख। खबर अब जीरा के एक गांव से है, यहां पर मंसूरवाल कला से एक नौजवान की खतरनाक बीमारी के कारण मौत हो गई और इस मौत की वजह से परिजनों में कोहराम है। मामला सामने आया कि दरअसल पत्रकारों से जब बात की गई तो इन पीड़ित परिजनों का यह कहना था कि जो मृतक नौजवान है उसका नाम राजवीर सिंह है और इल्जाम ये लगाया है कि राजवीर का घर शराब फैक्ट्री के पास था और पिछले काफी दिनों से काफी समय से पानी में शराब फैक्ट्री के चलते खराब और दूषित पानी यहां पर सप्लाई हो रहा है। और साथ ही आपको ये बता दें कि पानी पीने से इस शख्स की किडनी खराब हुई और किडनी की बीमारी होने की वजह से इलाज न करवाने के कारण उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों में काफी आक्रोश है, उनका ये कहना है कि शराब फैक्ट्री बिल्कुल नजदीक है और उसी की वजह से पानी काफी दूषित हो रहा है और ऐसे पानी को सेवन करने की वजह से इस मृतक को गंभीर बीमारी हुई, किडनी की कोई बीमारी हुई और उसके बाद अचानक उसकी मौत हो गई है। फैक्ट्री का जिहड़ा प्रदूषण वह मानते हैं जिहड़ा पानी पोल्यूट किया, यह लड़का 4 दिन पहला आके इतने एक वीडियो पा के कह के गया भी मैनू आह बीमारी आ फैक्ट्री के पानी नाल, पानी खराब होना यह सारा कुछ मैं बीमारी लगी है, जे मैं मर गया तो यदा जिम्मेवार फैक्ट्री मालिक है। वह खुद आपकी बाइट दे के गया, बोल के गया वा प्रधान जी था, वह कोई शुद्ध बुद्ध नहीं गई। परिवार के दूजे मैंबर भी जिन्हें आ वह भी बीमारी की हालत चाह, मैं थोड़ा अपील भी करूँगा भी इसके परिवार के कोल जाके इन्ह का हाल जरूर वेख्या जी, तो भगवंत मान सरकार तक पहुंचाया जे उन्होंने पता लग सके भी यह इलाके घर की कहानी नहीं, एक घर की नहीं, यह
ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੋ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਜੀ ਅਤੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੋਈ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 25-30 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜੂ ਨਾਂ और अब रुक करेंगे अमृतसर का। अमृतसर थाना छावनी की पुलिस ने उस वक्त सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की जब लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इस बीच तीसरा जो शख्स था वो भागने में सफल रहा है और इस घटना में ये जानकारी सामने आई कि इससे पहले भी कुछ दिनों पहले राहगीरों से लूटपाट की गई थी और इन्हीं आरोपियों के द्वारा जो है लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसकी रिकॉर्डिंग भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई है और यहां पर आपको बता दें कि इसी फुटेज के आधार पर पुलिस छावनी में इनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। जब पुलिस की गिरफ्त में 2 साथी आ गए तो तीसरा साथी भागने में कामयाब रहा। साथ ही आपको ये बताते चलें कि इस बीच पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਐਕਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਚਰਸ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਖੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁਤਲੀਕਾਰ ਚੌਂਕ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕੂਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨੈਚਰਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਨੈਚਰਸ 3 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੈਪ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਆ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਤੰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਲਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਵਰਜ ਇਨ ਟੂ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫਟਰ FIR। और अब रुक करेंगे मुंबई की ओर। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 10 ने 80 लाख के नकली नोटों के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। यह आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 10 को गुप्त सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति नकली नोट बेचने के लिए पवई इलाके में आने वाला है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और सौजन्य पाटिल नाम के इस आरोपी को 80 लाख के नकली नोटों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 10 को यह बड़ी सफलता मिली है और यहां पर 80 लाख के नकली नोटों को जब्त किया गया है। साथ ही साथ एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके पास से इतनी बड़ी राशि 80 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। दिनांक 27/12/22 को शाम को एक व्यक्ति इंडियन करेंसी के 500 रुपए के चलनी नोट सर्कुलेट करने के लिए पवई एरिया में आने वाला है, ऐसी जानकारी हमें मिली थी। उस जानकारी के तहत हमने 2 टीम बनाकर पवई एरिया में अंबेडकर गार्डन के पास ट्रैप लगाया था। जैसे ही वो वहाँ पर आया हमने उसे पकड़कर उसके पास जो एक बैग थी उसका सर्च किया तो उसमें 500 रुपये के 16,000 ऐसे 80 लाख रुपये नकली नोट्स मिले हैं। उसे हमने इस केस में गिरफ्तार किया हुआ है। उसका नाम सौजन्य पाटिल है जो पालघर से बिलोंग करता है। उस व्यक्ति को
दिनांक 4 जनवरी 2023 तक पुलिस कस्टडी मिली हुई है, आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है।